गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट आ जाइए। जो भी मित्र देख रहे हैं फटाफट शेयर करते हैं वीडियो को। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम कहाँ तक पढ़ लिए थे लास्ट टाइम? हमने देखा था, हम इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ा रहे थे भाई, इंडोक्राइन सिस्टम। हमारा इंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था और सेवन्थ नंबर तक हम लोगों ने ग्लैंड को कंप्लीट किया था। जो सेवन्थ नंबर या लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में, क्या था उसका नाम? पैंक्रियाज बचा था, पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा एट नंबर का टॉपिक है, उसका नाम है, एटवें नंबर पर है, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड। अब जो इरफान खान की मूवी है हिंदी मीडियम वाले, वो भी लिखेंगे इसको। अधिविक्र ग्रंथि, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया क्या होती है? तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था भाई? पैंक्रियाज, और आज हम एड्रेनल पे आ गए हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ लोकेशन होती है, क्या वर्क होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, मेन फंक्शंस क्या होता, बहुत सारी चीज़ों को। और एक चीज़ और फटाफट शेयर करेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए, ठीक है, जुड़ जाइए सभी लोग, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है क्या? अधिविक्र ग्रंथि। सबसे पहला पॉइंट आता है इसका लोकेशन, लोकेशन। लोकेशन का क्या मतलब बताया था मैंने? स्थिति, स्थिति, स्थिति क्या होती है भाई, कैसे होती है? चलिए दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। ये हमारा क्या होता भाई, ये मैंने क्या बनाया भाई, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर कुछ बनाया है। इसी पे क्या होती है, एक ग्लैंड जो है ऐसे ये होती भाई। इस वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, जो नीचे वाला पार्ट बना बीन शेप स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं किडनी, और इस वाले पार्ट को कहते हैं भाई एड्रीनल ग्लैंड, नल ग्लैंड। स्थिति समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या होता है भाई, एड्रीनल ग्लैंड टू पेयर्स होती है, नहीं वन पेयर होती है, दो होती है टोटल। कहाँ पाई जाती हैं? हमारे जो दोनों किडनी होती है उसके जस्ट ऊपर पाई जाती हैं। समझ में आया? पहला क्या लिखेंगे, इट्स लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट पार्ट ऑफ किडनी। यह है हमारी, हिंदी मीडियम वाले, यह हमारी वक्र के ऊपर होती है। चलो हिंदी में इतना ही लिख लो यार, होती है, इतना हो गया। शेप में अगर बात कर लिया जाए तो अराउंडेड शेप होती है, शेप या साइज की बात आता है अगला पॉइंट। शेप, शेप होता है कैसा होता भाई, ये शेप इसका कैसा होता है, ओवल होगा, और क्या होता, ओवल होता है, राउंडेड होता है। ठीक, कैसा दिखता भाई ये, गोलाकार और या फिर अंडाकार। क्या मैंने बताया भाई, क्या मैंने बताया, फोन किसका आ रहा भाई, क्या कर रहे हैं सर, ये सब गलत बात है भाई। एडवर्टाइजमेंट आ रहा था,
भाई कंप्यूटर वाले अपना मोबाइल आप स्विच ऑफ करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, ये कंप्यूटर वाले हमारे भाई हैं, उनका मोबाइल जो है बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। उनको गाने वगैरह के बहुत शौक है। तो हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे थे दोस्तों, कहाँ होती है भाई, हमारी किडनी में होती है, दो होती हैं, मतलब वन पेयर होती हैं, उसके ऊपर अटैच होती हैं। लोकेशन हमने बस क्लियर कर दिया। शेप कैसा दिखता भाई, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, गोल टाइप का होता, थोड़ा सा गोल, मतलब गोलाकार या अंडाकार टाइप, बस इतना ही समझ लीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। कैसा, बस इतना ही होता। आगे अब इसके वर्क और हार्मोन्स के बारे में देखेंगे ना, कौन से हार्मोन्स इसे सीक्रेट होते हैं, क्या काम होता। इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको नाम दिया जाता है, अंदर वाला पार्ट ये वाला, मेडुला, और ऊपर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, ठीक। क्या आपने बताया भाई, इसके दो पार्ट्स होते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला और ऊपर वाले बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। समझ में आया, अभी तक दो चीज़ें इसमें बताएं। जो नीचे वाला पार्ट होता है इनर पार्ट, ठीक है, इनर पार्ट, इसको आप लिख लीजिए इनर पार्ट, इनर पार्ट, और इसको आउटर, ठीक है। इनर पार्ट इज आल्सो नोन एज द मेडुला एंड आउटर पार्ट इज आल्सो नोन एज द कॉर्टेक्स। क्लियर हुआ, चलिए आगे आते हैं हम लोग। ये रही इसके बाद लोकेशन, स्थिति और शेप की। अब आते हैं भैया अपना हार्मोन्स पे। हार्मोन्स कौन से हार्मोन से रिलीज करता है, सीक्रेट आउट करता है, उस हार्मोन्स के वर्क क्या होते हैं। अगला पॉइंट हमारा है हार्मोन्स, हार्मोन्स, ठीक, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक। तो पहले हम किसके बारे में स्टडी कर लें, कौन सा पार्ट हमने देखा था भाई, नीचे वाले पार्ट्स को, जो यानी इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट, इनर पार्ट, क्या नाम दिया था मेरे भाइयों इसको मैंने, मेडुला, 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 क्या कहते हैं इसको, मेडुला कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले अगर इसको पूछेंगे क्या कहते हैं सर, तो आप लोग इसको मेडुला ही लिख लीजिए, ठीक है, मेडुला। कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, आइए, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन्स के बारे में अगर देख लिए, तो ये जो है दो हार्मोन सीक्रेट करता है, क्या नाम होता है उसको, एड्रीलिन, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है यार, कौन सा हार्मोन सीक्रेट है, एड्रीलिन, या फिर इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इपीनेफ्रिन, ठीक है, इपीनेफ्रिन, दो हार्मोन से सीक्रेट करता है, इसी का दो नाम होता है, एड्रेलिन या फिर इपीनेफ्रिन। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है इसका, उसको नाम देते हैं नॉन एड्रेलिन या फिर नॉन इपीनेफ्रिन, यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है, एड्रिलिन या नॉन एपिनेफ्रिन, समझ में आया, क्या बताया मैंने भाई, दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक का नाम होता है एड्रिलिन या फिर एक का नाम होता है नॉन एपिनेफ्रिन। अगला पॉइंट अगर आता है, इन हार्मोन्स को क्या नाम दिया जाता है भाई, इस हार्मोन्स को क्या कहते हैं हम लोग, इन्हीं हार्मोन्स को हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं भाई, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आकस्मिक हार्मोन्स, आकस्मिक हार्मोन। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमारे हार्मोन्स का नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि इसमें से कौन सा आकस्मिक हार्मोन्स है, ऐसा पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा मेडुला जो है, मेडुला किसका पार्ट है भाई, हमारा एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, नीचे वाला पार्ट होता है मेडुला, उसको एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन या फिर उसको एपिनेफ्रिन नाम से जानते हैं, इसी को फिर दूसरा नाम एक और होता है, दो हार्मोन्स होते हैं, एक को एड्रिनलिन और दूसरा को नॉन एड्रिनलिन, दूसरा नाम एपिनेफ्रिन या फिर नॉन एपिनेफ्रिन। चीज़ें क्लियर हुई, इसी को हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए उसको हम समझ लेते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई,
आप लोग कहीं जा रहे हो, छोटे बच्चे थे आप लोग, जब हमारी कौन सी एज थी भाई, टीन एज थी या फिर हम छोटे थे, कितने ईयर के था, हमारी प्यूबर्टी है, छोटे बच्चे थे, तो हमको किस चीज़ का डर लगता था, बताते थे कि भाई फलनवा फलनवा तालाब पे या फलनवा जगहिया पे भूत रहा ले या चुड़ैल रहा ले ना, सुने होंगे आप लोग। तो वहाँ हम क्या होता भाई, फियर, वी आर फील फियर, फियर का मतलब क्या होता है, डर। ठीक है, क्या होता भाई, डर, जब हम डरते हैं तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एड्रेनलिन या फिर नॉर इफिनेफ्रिन। ठीक है, यही सिक्रेट होता है, यही इस पर कंट्रोल करता है। ठीक है, और या तो फिर कभी हम हॉरर मूवी देखेंगे चुड़ैल वाला ना, और जो हमारे भाई ये लड़कियां होंगी क्लासरूम वाली, वो क्या देखती हैं, तमाम ऐसी चीज़ आती है भाई, उनको उनका सीरियल आता है जिसमें भूत भूतनी होती है, या बहू ने सास को मारा, सास ने बहू ने माँ को मारा, फिर उसको चुड़ैल बन के बदला लेती है, इस टाइप की चीज़ें ना देखती होंगी आप लोग। तो समझ लीजिए, उस समय जब आपके अंदर डर पैदा होता तो कैसे होता भाई, ये हार्मोन्स आता है। ठीक, दूसरा होता है भाई, जब हमारे अंदर डर होता है या हम कहीं जा रहे हैं और मोहल्ले के सारे पागल कुत्ते हमें दौड़ा रहे हैं ना, वहां भी हमें डर होगा, तो हम क्या करेंगे, उनसे फाइट करेंगे। फाइट करेंगे, फाइट करने का हिंदी मीडियम क्या होता भाई, लड़ना होती है ना, लड़ना का मतलब वो वाला लड़ना नहीं, जैसे कि सुधा ने मीना से लड़ा, रीना ने टीना से लड़ा, वो वाला लड़ना नहीं। ठीक है, हम क्यों लड़ रहे हैं, जहां हमें डर लग रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे लोफर टाइप के लड़के होते हैं और वहां भी लड़ाई होती है, तो ये डरना, लड़ना और डरना। अगला होता है इसी में, लड़ना डरना लड़ना, फिर क्या कर जाना, लास्ट में क्या कर जाना भाई, वहाँ से भाग जाना। भागने को क्या कर लेंगे भाई, कैसे भागेंगे हम लोग, फ्लाइज, फ्लाइज का मतलब क्या होता, उड़ना। शक्तिमान तो आप हैं नहीं, उड़ लेंगे ना भाई, ना कोई शक्तिमान है, ना ही कोई सुपरमैन है, ना ही कोई बैटमैन है, तो उड़ेंगे कैसे, कहेंगे सर आपने उड़ने के लिए कहा, पंख तो हमारे पास ही नहीं, उड़ेंगे कैसे। अरे मेरे कमांडो, उड़ने का मतलब ये होता है कि हम वहाँ से क्या कर दें, पलायन कर जाएं, भाग लें, वही चीज़ होता है यहाँ उड़ना। तो क्या हुआ भाई, डरना लड़ना उड़ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब किससे होती हैं, इन्हीं को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। और ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा एड्रीनिलिन और नॉन एड्रीनिलिन। ठीक है, और इससे देख लो एक चीज़ क्या दिख रहा भाई, यफ यफ यफ, कितने यफ दिखे हैं आपको, तीन एफ दिखे। तीन एफ का मतलब होता है, तो आपसे पूछेगा एफ ग्लैंड कौन सी होती है, एफ ग्लैंड, ये जब जो भैया हमारे पीसीएस वाले हैं जान लें, एफ ग्लैंड कौन होती है, तो आप लिख सकते हैं मेडुला को हम एफ ग्लैंड कहते हैं। मेडुला किसका पार्ट होता है, हमारा किसका पार्ट होता है, एड्री नल ग्लैंड का। ठीक, मेडुला क्या होती भाई, इसको एफ ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्यों कहते हैं। अब आया भैया एक और नाम आता है, क्या नाम आएगा उसमें, इसी को हम क्या कहते हैं, डू एंड डाई, महात्मा गांधी वाला डू एंड डाई, डू एंड डाई, हिंदी मीडियम वाले करो या मरो, समझ में आया क्या मैंने बताया, डू एंड डाई। तो आपसे पूछ लिया जाएगा डू एंड डाई हार्मोन कौन से होते हैं, एड्रीनलिन ऑप्शन में रहेगा तो टिक मारिएगा, नॉन एड्रीनलिन रहेगा तब भी टिक मारिएगा, एपिनेफ्रिन रहेगा तब भी टिक मारिएगा, नॉन एपिनेफ्रिन रहेगा तब भी टिक मारिएगा। क्यों कहते हैं डू एंड डाई, क्योंकि जब हमें डर लगता है तब रिलीज होता, या फिर हमें लड़ना होता तब रिलीज होता, या फिर जब हम भागना चाहते हैं तब रिलीज होता, इन सब सिचुएशन में या इन सब कंडीशन में ये रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है भाई, मेडुला करता है, मेडुला किसका पार्ट है, एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट्स होता है। ठीक है, यही इसको रिलीज करता है, इसीलिए यहाँ पर तीन यफ मिल रहा है, इसलिए मेडुला पार्ट को हम क्या कहते हैं, यफ ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, एड्रिनल पार्ट के मेडुला पार्ट को यफ ग्लैंड नाम देते हैं, और इसी को डू एंड डाई, करो एंड मरो। क्लियर हुआ, चलिए मैं एक बार और रिविजन करता हूँ, फटाफट देखिएगा हमने क्या पढ़ाया आपको, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को हम अधिविक्रि ग्रंथि के नाम से जानते हैं, कहाँ उपस्थित होती है लोकेशन के बारे में पहले देखते हैं, यह हमारी किडनी के ऊपर होती है। ठीक है, दो होती हैं, एक पेयर होती है या फिर दो होती हैं, क्या नाम होता है इसमें, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, जो अपर पार्ट होता है यानी जिसको बाहरी पार्ट कहते हैं
उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इनर पार्ट होता है अंदर का पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं। कौन सा हार्मोन्स मेडुला में, या फिर ये इंडोग्राइन है तो फिर ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है भाई, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही, एड्रिनलिन और फिर नॉन एड्रिनलिन। दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन या फिर नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये हमारी इमरजेंसी कंडीशन में ही रिलीज होता है, यानी जब हमको डर लगेगा या फिर हम लड़ रहे हैं या फिर हम फाइट क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उस सिचुएशन में हमारे यहाँ कौन हार्मोन सिक्रीट आउट होता है, तो यही होता है, ठीक है। इसीलिए 3F की वजह से मेडुला वाले पार्ट को हम एफ ग्लैंड कहते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, और इन्हीं वजह से इसको डू एंड डाई नाम दिया जाता है। क्लियर हुआ सबको, डू एंड डाई नाम दिया जाता है। क्वेश्चन इसमें से कितने टाइप्स के बनेंगे भाई, इफीनेफ्रिन या नॉन इफीनेफ्रिन को किस नाम से जाना जाता है, कैसा हार्मोन्स कहलाता है, डू एंड डाई किसका पार्ट है, डू एंड डाई किस ग्लैंड को कहा जाता है, थ्री एफ या एफ ग्लैंड, थ्री एफ या थ्री एफ ग्लैंड कौन सी होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन पूछी जा सकती है, कौन से हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, ठीक। बहुत सारे तरह के इसमें से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका सेकंड पार्ट हमारा कॉर्टेक्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अब टॉपिक अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देगा, शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अगर, ठीक है, जो आपके मित्र होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा। कोई चीज़ आपको पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में बकायदे आप कमेंट करिएगा, आपके रिप्लाई आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हमारी क्लासेस के बारे में, ठीक है। आगे फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को खूब सारा शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।